संदिग्ध अवस्था में दंपत्ति की मौत। बात करें महोबा की, महोबा जिला में आज दिल दहलावे वाली घटना सामने आई है, जहां एक दंपत्ति को सौ संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदा पे झूलत मिलो है और फांसी के फंदा झूलबे से भारी हड़कंप मच गया है। फिलहाल मौका पे पहुंची पुलिस ने दोनों शव का कब्जा मिले की कार्रवाई में जुट गई है। मामला कवरई थाना क्षेत्र के बरवई गांव को है, जहां सवेरे 25 वर्षीय अरविंद और उनकी पत्नी गोमती को शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदा पे लटकत मिलो है। सवेरे जब परिजन घर पहुंचे तो नजारा देख के दंग रह गए। दरअसल मृतक अरविंद तीन भाई हैं और अपनी पत्नी के संगे अलग रात थे। बताओ जा रहा है कि मृतक कर्जा का लेके परेशान रात थे और पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहा। तो फिलहाल मौत की का वजह है का कारण है एक अजानबे के लाने पुलिस जांच में जुटी है और जांच के बाद ही पता लग पा है कि मौत की का वजह रही है। क्या नाम है आपका? चंदन। अच्छा, क्या घटना हुई? क्या अब ये क्या बताएं सर कि ये मौत की फांसी की वजह कैसे हो गई थी? क्या हो गया था? आपको कैसे पता चला? ये हम सुबह चाची ने बताया है कि वहाँ से जब भूसा लेने आई हैं, हम लोग तो सो रहे थे, तो जब आई हैं तो हम कह रहे हैं कि अरे हमारे दोनों माता लड़का बच्चा ख़त्म हो गए, तब हम मालूम चला, हम अपने घर से भागे ऐसे। क्या वजह रही होगी? अब ये तो सर कुछ नहीं बता सकते हैं, इसके पास कर्जा था कुछ। किसका कर्जा था? अब ये गाँव वालों का है। अच्छा, उस समय कौन था घर में जब इन्होंने ये कदम उठाया? कोई नहीं, तो मियाँ बीवी थी दोनों लोग। अच्छा, वहाँ कोई रहता नहीं है। क्या लगता है दोनों ने खुद फांसी लगा ली कि एक दूसरे को लगा दी? अब ये तो सर ना तो देखा है ना तो नहीं बता नहीं सकते। बहू लेटी थी जब हमने देखा है, और अपना सर से हमारे थोड़े ऊँचे में अपना लटका था। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हो गई है? भैया और चोटी वाली भाभी फांसी लगा थे। कैसे जानकारी कैसे मिली तुम लोगों को? मम्मी आई थी सुबह भूसा उसा लेने के लिए, सानी बनाने के लिए, तो हमारा उड़ते हुए थे तो खोल के अंदर गई तो देखा तो फांसी लगा। क्या नाम है भैया का? भैया का अरविंद। शादी हो गई दिन की? शादी हो गई। कितने साल हो गए? 3 साल। और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा दूसरे वाले घर में। ये अकेले रहते हैं? यहाँ अलग रहते हैं। तो जो तुम्हारे भाई, कितने भाई हो तुम लोग? 3 भाई। तीनों के नाम? बड़े वाले का जीवन लाल, जो ख़त्म हो गया इनका नाम अरविंद, मेरा नाम धनीश है। और भाभी का क्या नाम है? भाभी का, छोटी वाली भाई का गोमती। रमेश कंपनी थाना क्षेत्र के प्रवेश सर दंपति के शव फांसी के फंदे में लटकता हुआ मिला है, क्या पूरा मामला? आज सुबह सूचना मिली कि थाना कबरी क्षेत्र में एक गांव में जो है पति पत्नी का शव लटका हुआ है। इस पर तत्काल थाना अध्यक्ष को मौके पर भेजा गया और तत्काल उनके शव को उतरवाकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ करा दी है, और इसमें प्रारंभिक जांच की जा रही है कि किन कारणों से इन्होंने आत्महत्या की। प्रथम दृष्टि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और गाँव वालों से भी बातचीत हो रही है। प्रारंभिक जानकारियाँ जो हैं वो उसके अनुसार घर के किसी विवाद को लेकर के उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि आत्महत्या का कारण क्या है। तो जो खास रिपोर्ट है बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता रसीद कुरैसी की। तो ऐसे ही खास खबरें जानबे के लाने बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।